मेरा नाम परवेश प्रसाद है, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। मैं दादरा नगर हवेली से आया हूँ, वहाँ पे मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ। दादरा नगर हवेली से? जी सर, सिलवासा से। वहाँ पे मैं फैक्ट्री में काम करता था मेंटेनेंस लाइन में। तो मेरा इच्छा हुआ कि ये टेक्निकल लाइन में अच्छा है तो सीखने का एक मौका मिले, तो बहुत अच्छा आपका सर वीडियो देखा मैं, बहुत अच्छा लगा सर। आपके यूट्यूब से, आपके चैनल से आइडिया मुझे मिला और बहुत अच्छा लगा। आप जिस तरह से सिखाते हैं बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं सर का वो टीवी पे स्क्रीन पे वो नंबर था तो वहीं से हम फ़ोन करके सर से इंक्वायरी किया। इंक्वायरी करने के बाद हम आजमगढ़ आए। आजमगढ़ आने के बाद सर जी हमें ये रिसीव किए। रिसीव करने बढ़िया सीख लिया काम? जी सर, बढ़िया सीख लिया। जी सर, संकोच रहे बोलने में, थोड़ा सा हड़बड़ा रहे, रिलैक्स रहा करिए, कोई बात नहीं, चलिए आगे देती थी। तो मेरा नाम नीरज कुमार है सर जी, हम बिहार से सर आया हूँ सर। वायरिंग का काम करता था सर घर पे। अच्छा, बहुत दिनों से? दो तीन साल से सर कर रहा था। तीन साल वायरिंग का काम किया सर जी। हमने सोचा कि कुछ काम आगे बढ़ाएं, दुकान का काम आगे क्या काम करें। बढ़िया सीख लिए हैं, जा करके काम को आगे बढ़ाएंगे। तुरंत बढ़ाएंगे कि इंतजार करेंगे? नहीं सर, तुरंत 1 अप्रैल से स्टार्ट कर देंगे। 1 अप्रैल से। दुकान का नाम क्या है आपके? ये अभी नहीं सोचा सर। अभी नहीं सोचा हूँ सर। अभी नहीं सोचे हैं, जल्दी सोचिए, बनाइए। मेरा नाम अमित सहनी है, मैं यूपी मऊ जिला से हूँ। अच्छा, मऊ से ही है? जी सर जी। तो इससे पहले मैं ग्रेजुएशन करता था। तो मेरे घर एक वॉशिंग मशीन था, तो उसका स्पिन टाइमर खराब हो गया था। तो मतलब मिस्त्री अभी मतलब हाल ही में अवेलेबल नहीं थे, तो मैं यूट्यूब पे सर्च किया, उसका स्पिन टाइमर खराब था, थोड़ा बहुत नॉलेज था। तो मैंने सर्च किया यूट्यूब पर, तो सबसे पहले आपका वीडियो आया, तो मैंने उसको देखा और देखने पे मुझे एकदम समझ में आ गया कि हाँ, इसका यहाँ से फॉल्ट है। तो मैंने उसको देख करके सही कर लिया, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं भी मतलब काम कर सकता हूँ। आप ऐसे समझाए उसमें, मतलब कि मतलब समझ लीजिए, मुझे सब डाउट क्लियर हो गया था। तो मैं यूट्यूब पे, तो मैं आपको यहाँ पे कॉल किया। कॉल करने के बाद से सर बोले कि रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, 500 रुपये फीस लगेगा और अगले महीने में आप आ सकते हैं। तो मैं किसी कारण से मतलब नवंबर में कराया था, तो जनवरी में नहीं आ पाया, थोड़ा प्रॉब्लम था। तो उसके बाद से अगले अगले बैच में आए और आकर मतलब पूरा काम हम सीख लिए हैं कि हम कॉन्फिडेंस साथ जाकर काम कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और मतलब सब कुछ, मतलब जितने हमारे सब भाई हैं सब आपस में मिलकर आपस में डिस्कस करते थे, और कोई भी दिक्कत नहीं है। जो भी डाउट था उनसे पूछते थे, उनसे पूछते सब डाउट क्लियर। कुछ न कुछ किसी न किसी को समझ में आ ही रहा है। हाँ, मतलब अलग अलग चीज़ें और सभी लोग अलग अलग काम करने वाले, कोई वायरिंग का काम किया है कोई, तो कोई दिक्कत नहीं, हम मतलब बढ़िया से संतुष्ट हैं यहाँ से काम से। चलिए, राकेश कुमार हुआ जी, मैं बिहार से वैशाली जिला से आया हूँ जी। तो इस फील्ड में हमको बहुत दिन से सर वो रुचि था, तो मैंने YouTube पे बहुत सर्च मारते थे, मतलब वीडियो वगैरह देखते थे कि कहाँ मतलब कुछ कुछ ये वगैरह वगैरह, मतलब कभी फ्रिज का कभी एसी का। कुछ दिन एसी में फिर काम करने गए, फिर हमने गया ICIC एकेडमी से, हमने कोर्स किया एसी का। तो वहाँ पे मतलब कोर्स अच्छा कराया गया, बट वो जो प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल नहीं किया गया, तो इसके वजह से हमने फिर फील्ड में जैसे काम किए, मतलब 2 महीना काम किए फील्ड में। 2 महीना काम करने के बाद फिर जो ऐसे मिस्त्री लोग जो ऐसे क्या मतलब काम करने देते नहीं थे, तो ये सोचे कि चलो थोड़े कहीं पे थोड़ा सा जहाँ पे कहा कि हमने रजिस्ट्रेशन MI टेक्निकल में 2021 में करा चुके थे, तो फिर हम वहाँ से किसी कारण नहीं आ पाए थे यहाँ। हम सोचे कि ICIC एकेडमी कहीं सरकारी संस्था है, अच्छा सिखाएगा, तो फिर हमने वहाँ पर सिखाया गया, बढ़िया थ्योरी अच्छा से दिया गया, बट प्रैक्टिकल जो है नहीं हुआ। उसके वजह से जो ऐसे फिर हम सर MI टेक्निकल में जो ऐसे फिर ज्वाइन किए, और उसके बाद फिर अच्छा से मतलब जितना जिसके लिए आए थे वो सर पूरा कंफर्म। जी, मेरा नाम आमित शेख है जी, मैं झारखंड से हूँ। मैं इससे पहले मुंबई में काम कर रहा था, तो वहाँ पे बहुत सारे काम देखे। ओमान में? नहीं, मुंबई पे। अच्छा, मुंबई। मुंबई पे काम कर रहा था वहाँ पे, तो वहाँ पे हम देखे लगभग हम 4 साल से 4 साल काम किए, राइस मिल पे काम किए थे। तो वहाँ पे काम कर रहे थे, वहाँ पे फ्रिज AC देख रहे थे, जहाँ हम काम कर रहे थे वहाँ पे भी सबको आके लगा रहा था। तो हमको कुछ हमें कुछ उस देख के इंटरेस्ट आने लगा, अच्छा आने लगा देख के। तो हमने उन लोगों को पूछा भी कि हमको काम सीखने का है, तो उसने बताया कि चलो ठीक है सिखा देंगे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मतलब कितना दिन लगेगा? लगभग हमको बोला 1.5-2 साल लगेगा, उसके बाद फील्ड में जाना पड़ेगा। तो फिर किसी और से पूछे तो उसने वैसे ही बताया। तो इसी तरह से
अब हम घर पे आए, घर पे आए तो हम कुछ प्रॉब्लम था घर की, तो वीडियो देख रहे थे, वीडियो देखते देखते किसी तरह से ये वीडियो दिखाई दिया आपका, हमें टेक्निक का वीडियो दिखाई दिया। तो जैसे दिखाई दिया तो मेरे अंदर से एक ज्वाला जो होता है ना, वो ज्वाला आया। हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगा देखने में। तभी से मेरा मूड किया आने का, मन किया, तो हम रजिस्टर किए और आने की यहाँ पे कोशिश। अभी आए, सीख चुके, कोर्स कंप्लीट हो गया, अब क्या लगता है काम कर लेंगे? हाँ, अभी 100% वो जो 1.5 साल बता रहे थे इसी सीखने के लिए, क्या लगता है 1.5 महीने 1.5 साल के बराबर है? 1.5 महीने में भी सीख सकते हैं कि नहीं? सीख सकते, 1.5 महीने तो सीख सकते हैं। बहुत अच्छे से सिखाए, और जिसको भी सीखना है, जिसको भी जुनून है कि मैं एमए टेक्निकल पे काम सीखूंगा, ऐसे फ्रीज किसी भी चीज़ का, तो आके सीख सकता है। अगर कोई भटक रहा है उधर उधर कि मेरे पास कोई बेरोजगार नहीं रोजगार नहीं, तो वो भी आके सीख सकता है। तो जो सोच रहा है कि मैं, कोई भी सोच रहा है कि मैं काम करूँगा या नहीं करूँगा, अगर किसी को लग रहा है सोच भी सही, तो यहाँ पर आके 45 दिन का कोर्स से सीख सकता है आके। तो मैं उन लोगों के लिए कुछ लफ्ज बोलना चाहता हूँ कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। ठीक है सर, मेरा नाम साहिल श्रीवास्तव है, मैं बरेली से जिला से हूँ और UP 25। इससे पहले सर मैं इंटर पास करने के बाद रुद्रपुर में गया था जॉब करने के लिए। जॉब में मैंने काम सीखा था ETP और STP चलाने का। इस ETP STP में सर पानी फिल्टर करके कंपनी से बाहर छोड़ा जाता है साफ पानी, तो उसके बाद मुझे सैलरी तो मिलती थी अच्छी खासी, बट उसमें यह है दूसरे के डिपेंड में सर एक दिन की छुट्टी भी नहीं मार पाते थे हम। बुखार कड़े कितना ही बुखार हो तब भी जाना है, मन में है नहीं है जाना है ड्यूटी। तो इस वजह से फिर मैंने अपने पापा से बोला कि मुझे काम सीखना है, तो बोले जा तुम्हारी मर्जी है काम सीखो कुछ भी करो करके। तो फिर मैं दुकान पे गया, दुकान पे जाने के बाद 10-15 दिन गया, 10-15 दिन में इतनी तेज़ हाथ चलाता था वो कुछ कहने का जवाब नहीं, मिस्त्री कुछ देखते थे ना कुछ बता रहा ना कुछ। कभी एक बार मैंने उससे बोला कि ये बताओ करके, बोले अपने आप देखो बस इतना ही है यहाँ पर और कुछ नहीं बताया जाता। फिर मैं वहाँ से भाग आया, फिर मैंने 2-3 महीने ड्यूटी करी, महीने जॉब करने के बाद फिर एक दिन यूट्यूब पे वीडियो देखने लगा कि कैसे करके काम सीखा जाए एसी का। मेरे दिमाग में एसी का माइंड में आया कि कैसे काम सीखे, तो देखते देखते फिर मैंने आपकी वीडियो देखी, उसमें MI टेक्निकल की वीडियो देखने का सर जो आपका बोलने का तरीका था, तो मेरे माइंड में एकदम फंसा। मैंने सोचा एक बार जाऊँ करके यहाँ पर, फिर यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन करवाया मैंने अक्टूबर में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद दिसंबर में आने का सोचा मैंने 31 दिसंबर को। उसके बाद दिसंबर 31 को आने के बाद मेरे पापा बोले अभी ठंड बहुत पड़ रही है मैं जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ चले आना। फिर जाने के लिए मना कर रहा हूँ मत जाना सर, तो मैंने सोचा एक बार चलो पापा की बात मान लेते हैं, फिर कहेंगे कि अपना कहना चला रहा है करके। फिर हम रुके, रुकने के बाद और सर इससे पहले भी मैं बोलता था घर पर कि वहाँ काम सिखा रहा है करके यूट्यूब पर, तो कहते थे हमसे लोग कि अरे यूट्यूब पे ऐसा ही होता है फेक है ये है वो है करके। मैंने कहा फेक हो कुछ भी बात हो 25,000 रुपये वाली बात है मैं फिर कमा लूँगा, 2 महीने की सैलरी है कुछ भी है 1 महीने में कमा लूँगा कोई दिक्कत नहीं है, 25,000 रुपये जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरा 25,000 रुपये जो है अच्छी जगह गया है। वो अपने मुँह से खुद कहते हैं कि कोई सवाल हो पूछो और उनसे कोई एक बार सवाल हो तो 10 बार पूछो सर जब तक आपके क्लियर ना हो। और MI टेक्निकल में अगर आपका जब तक कोई डाउट क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपको भेजा नहीं जाता है, आपका जब तक डाउट है तब तक पढ़ो। ठीक, धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड टू लाइक टू थैंक यू सर हु हैज मी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। माय नेम इज हिमांशु, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कासगंज जी। मैं 6 महीने से सर की वीडियो देख रहा था और मुझे वीडियो देख कर अच्छा लगा, मैंने कही एक बार जाना चाहिए इस पर यहाँ पर, और जो मैं सोच कर आया था उससे बेहतर मिला मुझे यहाँ पर, और कई सारी चीज़ मैंने सीखी यहाँ पर। मैं तो हाउस वायरिंग के लिए आया था मगर जहाँ पर मुझे कई सारी चीज़ सिखाई गई। बढ़िया समझ में आया? हाँ, काम कर लेंगे बिल्कुल। हेलो सर, मेरा नाम राजेश प्रजापति है, मैं MP के शिवपुरी जिले से करेरा तहसील से बिलोंग करता हूँ जी। सर मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ, लाइट हाउस वायरिंग का काम करता हूँ। मेरा अपने भाई के साथ बाहर काम करता था, पिछले 6 सालों से भाई के साथ काम करता था। उसी बीच में हमारे एक ग्राहक का फ़ोन आता है कि भाई मेरा फ्रिज ख़राब है चल नहीं रहा है, तो उसी बीच में हमने थोड़ा यूट्यूब पे सर्च मारा तो उसी बीच में आपका वीडियो मिल गया। उसी वीडियो के देखते हुए हमने आपका वो वीडियो देख कर ही हमने उस फ्रिज को रिपेयर कर दिया। उसके बाद हमें हमारे मन में लगा कि यार यहाँ होना सो हो कि हाउस वायरिंग से थोड़ा आगे हटके किया जाए, क्योंकि दोनों भाई एक ही लाइन में रहेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। तो उस हिसाब से मेरे भाई ने मेरे से बोला, मैं अपने भाई से छोटा हूँ, कि भाई तू जा मेरी आगे जाके कुछ कर बड़ा अपनी लाइफ में।
तो मेरी स्टडी भी आईटीआई में ग्रेजुएट हूँ। तो उसके बाद मैंने आपका वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद मैंने 2022 में रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ोन किया, तब आपका बैच बुक चल रहा था, तो उस टाइम पे बोला गया कि आपका 23 में करवा लीजिए। 23 में मेरी थोड़ी समस्या थी, उसकी वजह से मैं नहीं आ पाया। फिर मैंने 24 में स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन कराया, स्टार्टिंग में ही मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद मैं यहाँ आया, आने के लिए सर मेरे को लेने के लिए वहीं पर गए थे, स्टॉप से लिया था, पिकअप किया मेरे को। वहाँ से आने के बाद मेरा हॉस्टल में आया और इंक्वायरी के बाद फीस जमा करके हमारा क्लास स्टार्ट हो गई थी। स्टार्ट हमारी क्लास 15 तारीख से स्टार्ट हो गई थी और यहाँ से सभी अच्छी तरीके से एक एक चीज़ को क्लियर करके पढ़ाया जाता है। आपको कोई डाउट नहीं रहेगा माइंड में, आपको पूरी क्लियरिटी करके आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ से हमें कुछ सीखने को भी मिलता है कि जैसे रिस्पेक्ट करना या कुछ चीज़ को कैसे मैनुअल करना या किसी चीज़ को बनाया या किसी व्यापार में अपना हाथ बढ़ाना या व्यापार को बड़ी जगह पर ले जाना, उसी हिसाब से हमने भी यहाँ पर कुछ अच्छा बेहतर सीखा है। और हमारे जो डाउट थे क्लियर है, कोई भी हमें कोई समस्या नहीं है, हम अपने आगे चल के कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। मेरा नाम सर सचिन कुमार है, मैं अरुणाचल प्रदेश से आया हूँ। मेरा प्रॉपर घर यहाँ पे छपरा है, लेकिन मैं प्रॉपर अरुणाचल में रहता हूँ। वहाँ पे सर मैं काम सीखने के लिए एक टेक्नीशियन को बोला, तो बोला कि पहले एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा 2 साल का। तो मैं सोचा कि फिर हम एक भैया को बोले, वो बोले कि एक तो MI टेक्निकल है, वहाँ पे तू वीडियो देख के ही सीख लोगे। तो फिर मैं वीडियो देखते देखते आपका नंबर वहाँ पे मिल गया, फिर नंबर मिल गया उसी से मैं आपको तुरंत फ़ोन किया। तुरंत फ़ोन करने के बाद आपसे बात हुआ, बात होने के बाद आप बोले कि 500 रुपीज़ डाल दीजिए फ़ोन पे या गूगल पे, आप जो भी कुछ करिए आप अभी कर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो मैं नवंबर में मैं आपको कॉल किया, फिर नवंबर में मेरा पापा मम्मी लोग घर पर आ गए छठ पूजा करने के लिए, तो फिर उसके कारण हम नवंबर में नहीं आने सके। वहाँ पे हम लोग का अरुणाचल में होटल है अपना खुद का, तो मैं वहाँ पे ही रहता हूँ। तो फिर वहाँ के बाद पापा मम्मी फिर चले गए, उसके बाद तब हम लास्ट यहाँ पे पहुँच गए आपके पास। और आने समय जब हम छपरा पहुँचे तो आप हमको 2 बार फ़ोन किए, आप कहाँ तक पहुँचे हो। तो हम बताए कि हम यहाँ पे हैं, तो आप बोले कि स्टेशन पर उतर के फ़ोन करिए। तो मैं स्टेशन पर उतर के फ़ोन किया, तो उसके बाद आप बोले कि बाबा भवरनाथ चौराहे पर आ जाइए। तो बाबा भवरनाथ चौराहे पर मैं आ गए, फिर उसके बाद मैं फ़ोन करी, तो आप तुरंत बाइक से पहुँच ही गए लेने के लिए हमको। चलिए ठीक है, जो सीखा आपने वो अच्छा लगा जी, समझ में आया जी सर, समझ में आया। काम कर लेंगे जी, काम कर लेंगे। क्या करेंगे, दुकान जा करके, अभी मेरे भैया जी पंजाब में, अच्छा। उनका भी दुकान है, तो कोई भी इंसान अपना खुद का तो डायरेक्ट पूरा फुल हुनर देता नहीं है, तो इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। अभी उनके पास जाऊँगा, वो काम हम दिलाएंगे, एक दो ठो काम करूँगा, हाथ फ्री हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक मैं अपने आप काम करने लगूँगा। ठीक है, धन्यवाद।